अयोध्या रेप कांड के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन अब तक इस कॉम्प्लेक्स में चल रहे बैंक के शिफ्ट होने का इंतजार कर रहा था। अब बैंक दूसरी जगह भी शिफ्ट हो गई है। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों को भी खाली करवा दिया गया था, जिसके बाद अब एक साथ 3 बुलडोजर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगे हुए हैं। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति खूब गर्माई हुई है। बताया गया है कि इस मल्टी कॉम्प्लेक्स का एक तिहाई हिस्सा अवैध बना हुआ है, जिसकी जद में सरकारी बैंक भी आ रहा था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से अवैध हिस्से में चल रही दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद से ही लोगों ने यहां से दुकानें खाली करना शुरू कर दिया और अब यहां से बैंक समेत सभी दुकानें खाली हो गई हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा चुके थे। इससे पहले मोहित खान की बेकरी को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया था।